अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं पार्टी के लिए। यस। तो ये देखिए ऐसा लग रहा है हम ही लोग का रिसेप्शन है, हस्बैंड वाइफ। तो कैसे लगे दोस्तों प्लीज कमेंट पे कीजिएगा, और आगे जाके आपको मैं दिखाऊंगी क्या दिखाऊंगे, ब्राइड एंड ग्रूम को, दूल्हा और दुल्हन को। तो मेरे ब्लॉग पे बने रहिए और मिस ना करें एंड स्किप ना करें। मेरे चैनल पे है तो न्यू सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को फुल वॉच करने के बाद लाइक कर देना, फ्रेंड्स बोलना नहीं। फिर मेरे ब्लॉग पे बने रहिए। तो फाइनली हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं और अभी तक हम लोग को खाना मिला नहीं है। ये देखिए आप मौन बात रखिए, देखते खाना आता है उसके बाद में बात क्या करते हैं। देखिए फ्रेंड्स खाली हम भी दे देते फोन अपने व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, तो मेरे कमेंट्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स कि मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत मेहनत लगा है मेरे को तैयार होने में, मेरा खुद का मेकअप है। देखिए कितना भीड़ है दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए। हाँ दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए, ये फोटो वाला नहीं उसके पीछे बैठा हुआ है और हम लोग यहाँ खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। सब कोई अपना अपना टेबल में, बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो गया, एक ही बार इतना भीड़ हो गया उसके बाद खाली हो जाएगा। फिलहाल हम लोग को सीट मिल गया तो मिलते हैं खाना खाने में। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग का खाना लग चुका है, अब हम लोग फटाफट खाते हैं। फटाफट दोस्तों हम लोग टेबल में खाना लग चुका है, ये खाना स्टार्ट भी कर चुके हैं, अभी स्टार्ट नहीं किया। तो फिलहाल अब हम चलते खाना खाने, अब मिलते हैं खाना खाने के बाद, आराम से खाना खा लेते हैं। वीडियो बन रहा। उसके बाद देखिए हम लोगों को खाना वैरायटी वैरायटी आइटम्स मिल गया, और ये हम लोग बैठे हुए पता नहीं किस चीज़ का वेट करें, हम लोग एक दूसरे को देख रहे थे कौन पहले खाए। उसके बाद आता है पानी, पानी में एक ग्लास फोटा निकल गया, उसमें हम लोग बहुत कॉमेडी हुआ जो कि वीडियो में ऐड नहीं किए हैं। और ये मेरे हस्बैंड देखिए पूरा एकदम अच्छे से पानी ढाल रहा, एकदम वैसा वाला पोज दिए हुए। और मैं भी इधर बता रही हूँ कि हम लोग को वैरायटी वैरायटी खाना लग चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग। मेरे हस्बैंड का स्माइल हो इतना खुश है, आप नहीं कोई रोक सकते हैं तो खाना खाने के लिए। तो इधर देखिए इस खाने के टाइम में हम लोग एक वीडियो भी बनाए, तो वो मेरे ब्लॉग पे जरूर देखिएगा इस वीडियो को, और कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा। ये देखिए मेरे हस्बैंड खाने लगे हैं, हम लोग अच्छा लगा, खाना पीना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा पार्टी था। ये देखिए जानवर है कितना भी खाए फूका ही रहता है। The next day. फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के 5 बज रहे और मेरी 6 बजे ट्रेन है, तो अभी मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, और दीदी लोग चाय बना रही है। तो मेरे ब्लॉग पे बने रहिए, और मैं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, फुल वॉच करने के बाद लाइक कर दीजिएगा। और इधर काफ़ी ठंडा है हमारा, उधर से इधर बहुत ठंडा है, तो हम लोग फटाफट स्वेटर पहन लेते हैं। और अभी हम लोग को निकलना भी है, मॉर्निंग हो गया है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, चलते हैं। सबको उड़ गया हम लोग ऐसे ना, सबको उड़ गया ऐसे हो करके हम लोग को विदाई देने के लिए। तो फिलहाल मेरे ब्लॉग पे बने रहिए फ्रेंड्स, और बस ब्लॉग के आनंद लीजिए और मिस नहीं कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा मेरे ब्लॉग को। तो फिलहाल मेरे वीडियो बने रही, और हम आपको इधर का जैसे जैसे मॉर्निंग होगा वैसे वैसे मैं आपका सीन दिखाएंगे, क्योंकि इधर का सीन बहुत अच्छा है, नेचर लव वाला, पहाड़ है, गेहूँ है, सरसों है, अच्छा है। तो मेरे ब्लॉग बने रही है और मिस मत कीजिए, और हम सीन दिखाएंगे वो बने रही है। ये रहा मॉर्निंग का लुक यहाँ का, यहाँ पे सूर्य निकलता है ना, इतना अच्छा दिख रहा है एकदम सामने नज़ारा। A few minutes later. ये देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ एक ट्रेन पार हो रही है जो कि हमारी नहीं है, हमारी ट्रेन इस पटरी पे आएगी। तो फाइनल फ्रेंड्स हम यहाँ कौन सा स्टेशन है, ये मदनपुर, मदनपुर लोकल स्टेशन में, यहाँ से हम लोग को लोकल पकड़ के नेक्स्ट स्टेशन जाना है, एंड देन वहाँ से हम लोग को अपने डेस्टिनेशन के लिए ट्रेन पकड़नी है। यहाँ का सीन बहुत अच्छा है, यहाँ का सीन है ना जो बोलो।
तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा सूर्य भगवान हमारे निकल रहा है। ओम शिरदेवाय नमः। और ये इधर बैठे पता नहीं किसका वेट कर रहा गाड़ी का। आओ ट्रेन बेचारा गाड़ी आया ही नहीं। ये देखिए चारों तरफ यहाँ पहाड़ से घिरा हुआ है चारों तरफ एंड देन बीच में सूर्य भगवान निकल रहे हैं। वाह ऐसा नज़ारा किसी को कम ही देखने को मिलता है कि नहीं। सो फ्रेंड्स फाइनली अभी हम लोग स्टेशन जमुई पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम लोग को ट्रेन पकड़ना है उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे अपना डेस्टिनेशन। अभी एक घंटा रुकना पड़ेगा ना। अभी एक घंटा रुकना पड़ेगा हमें यही लोकल ट्रेन से हैं क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे हम लोग थे वहाँ पे एक्सप्रेस लोकल स्टेशन एक्सप्रेस तो रुकेगी नहीं जाहिर सी बात है। फाइनली गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जमुई स्टेशन। अभी रिटर्न जा रहे हैं हम लोग पार्टी अटेंड करने के बाद मणिकांत का। बहुत अच्छा था फ्रेंड्स। हाँ मजा आ गया हम लोग को पार्टी में एकदम। और डांस किया डांस का तो वीडियो किसी को याद ही नहीं। यस तुम तो एकदम मस्त क्या ही बोले ना। और इधर ठंड अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का। ट्रेन अभी आने में काफ़ी टाइम लगाएगी एक घंटा लेट से चल रही है। हाँ एक घंटा लेट से चल रही है तब तक हम लोग स्टेशन में बैठे। हाँ क्या करें वेट तो करना पड़ेगा तब तक हम लोग वेट करते हैं स्टेशन में बैठे हुए। स्टेशन का नज़ारा दिखाते हैं आप लोग को ये देखिए। अभी छाए में बैठे हैं ठंडा लग रहा है एकदम मस्त स्टेशन है ये देखिए क्या। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग कहाँ बैठे हुए अगर रियल केस में कहा जाए तो हम लोग आज नहीं मम्मी और राहुल का होम टाउन में बैठे हुए। अच्छा हाँ उन लोग का घर भी यहीं पे है ना स्टेशन बैठे हुए है कि नहीं। और यहाँ आपको सामने में अच्छा अच्छा दुकान मिल जाएगा होटल्स वगैरह। हम लोग को तो न्यू है तो हम लोग को कुछ समझ हाँ उतना आइडिया नहीं है। हम लोग ध्यान बस यही है कि कब ट्रेन आ जाएगा क्योंकि हम लोग न्यू है ना। ये ट्रेन छूट गई तो पता नहीं दूसरी कब आएगी क्या। ठंडा कैसा लग रहा है आपको। ठंडा इधर है लेकिन पता है थोड़ा ठंडा ज्यादा है। रात में मतलब ठंडा उतना नहीं लगा था लेकिन सुबह ज्यादा है। हाँ मॉर्निंग सुबह को ज्यादा है। फ्रेंड्स वहाँ का लुक एकदम मतलब देखने लायक था। सूर्य भगवान निकल रहे एकदम निकलते हुए कितना अच्छा दिख रहा था। आप तो मिस कर दिया आप तो सो गए थे आप तो उठे ही नहीं थे। अच्छा तुम अच्छा कि तुम देख ली है ना कैमरे में ऐसे भी तो रिकॉर्ड कर ही ली होगी। मतलब 5 बजे पूरा अंधेरा था ना हम छत से ही देखे थे जो कि आप ब्लॉग में देखे ही हैं। कितना अच्छा दिख रहा है ऐसा मतलब सीन बहुत कम देखने को मिलता है हर जगह की बात कर रहे हैं। हाँ इधर मैंने पहाड़ भी है ना पहाड़ का ऊपर से सूरज निकलते हुए देखना एक थोड़ा सा अलग महसूस होता है। चारों तरफ खेती हरियाली हरियाली सरसों का खेत वाह एकदम वाला फील होता है। यस तो फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग पर बने रहिए और मिलते हैं ट्रेन आने के बाद। सो गाइस फाइनली हम लोग का सीट मिल चुका है। हम लोग तीनों का साथ में सीट मिला हुआ है कि नहीं। अब गेस्ट के अलावा कुछ बोलेंगे मतलब हम लोग अभी बैठ चुके हैं ट्रेन गाड़ी आ चुकी है अभी हम लोग आराम से सीट पे बैठ चुके हैं। अभी 7-8 घंटा लगेगा हावड़ा के लिए रवाना हो चुके हैं क्या। चलिए थोड़ा सो लेते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं हावड़ा स्टेशन पहुँच गया। हावड़ा स्टेशन में बस भी मिल गई और इतना गर्मी है ना कि विदाउट एसी वाला बस में बैठ ही नहीं पाता। आज संतरा भी हम लोग खा लिया गर्मी के टाइम में संतरा। अब मिल रूम पहुँचने के बाद फ्रेंड्स क्योंकि अभी हालत में नहीं बना सके ज़्यादा। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी हम लोग जस्ट रूम पहुंच के नहा धोवा लिए हैं ये देखिए एकदम बाल भिगा के क्योंकि ट्रेन का जर्नी से आओ और बाल भिगा के ना नहाओ तो आपका जर्नी जैसा नहीं एकदम दिन भर आपको फेस भी डल लगेगा थकावन भी लगेगा एंड पता नहीं क्या क्या लगेगा। और ट्रेन में हर टाइप्स का आदमी रहता है ना इसलिए पहले जर्नी करके आओ फेस वॉश अगर पॉसिबल है तो नहाओ और नहीं पॉसिबल है तो आप हैंड वॉश सैनिटाइज कर लो। और ये देखिए हम इधर ब्लॉगिंग कर रहे हैं और इधर खाना खाने बैठ गए। अरे भूख लगा हुआ है तो खाएंगे ही ना खाना तो हमको भी भूख लगी है। तो ठीक है फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं खाना खाने के बाद। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग जैसे कि कहा था हम लोग थक गए खाना वाना खा गए और
सो गए हैं, ब्लॉग करने का टाइम नहीं मिला। हम लोग बाहर से ही खाना पैक करा के आ गए थे और शाम में हम लोग अभी उठे हैं, अभी 5:30 बज रहे हैं, मतलब 1.5 घंटा रेस्ट किए उसके बाद अभी उठे हैं। और उठ के सोचे, आके नहाए थे हम लोग तो कपड़ा छत पे पसारे थे, तो सोचे चलो कपड़ा के बहाने तो छत में भी घूम लेते हैं, और काफ़ी थक गए हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा थक गए हैं, काफ़ी नहीं, तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो फ्रेंड्स आज का हमारा जर्नी ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पे न्यू होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी ना भूले फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय।